हाय गाइस, मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल दीप्ति थाली प्लेट में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर की बहुत ही यूनिक रेसिपी। इसे मैंने बहुत ही यूनिक वे में बनाया है और ये बहुत ही जल्दी भी बन जाती है गाइस। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, अपने अनुभव मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। और अगर आपको वीडियो रेसिपी पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए लिए हैं मैंने 8 से 10 टमाटर, लहसुन लिए हैं 10 से 12 क्लोव्स, एक हरी मिर्च, 1 इंच अदरक लिया है, अदरक थोड़ा सा कम यूज़ करना है, 400 ग्राम पनीर है, 250 ग्राम मटर है। तो गाइस उसी हिसाब से क्वांटिटी आप एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ 400 ग्राम पनीर के साथ मैंने ये सारी चीज़ें लिया है और टोमेटो, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का मैंने एक पेस्ट बना के रेडी कर लिया है। तो लो फ्लेम पे हम इस रेसिपी को कुक करेंगे गाइस। यहाँ मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है कुकिंग में, और 1/2 टीस्पून जीरा, 2 तेज़पत्ता और 1 बड़ी इलायची मैंने डाल दिया है इसमें। अब हम अपना पेस्ट इसमें डाल देंगे टोमेटो का और लो फ्लेम पे ही इसे कुक करेंगे। फिर 1 टीस्पून मैंने यहाँ नमक यूज़ किया है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर धनिया यानी धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, ये सारी चीज़ें मिला देनी है इसमें अच्छे से। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ किया, इससे कलर बहुत अच्छा आता है गाइस, तो आप इसका ज़रूर यूज़ करिएगा इस रेसिपी में। तो इसे हम इसी तरीके से 5 से 10 मिनट ढक के पकाएंगे गाइस। फिर 5 से 10 मिनट बाद हम इसमें मटर को ऐड कर देंगे, तो मटर हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। 5 से 10 मिनट फिर हम इसे कुक करेंगे। तो चलते हैं फिर इसके नेक्स्ट प्रोसेस पे। यहाँ हमने पनीर को कट करके शैलो फ्राई करके टिश्यू पेपर पे निकाल लिया है, इससे जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो सारा इस पर निकल जाएगा, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो लो फ्लेम पे हम इस रेसिपी को कुक कर रहे हैं गाइस। तो देखिए 5 से 10 मिनट बाद मटर हमारा सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें जितना ग्रेवी रखना चाहें उसी हिसाब से हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। अगर नॉर्मल ग्रेवी थिक साइड पे आपको रखना है तो थोड़ा कम पानी आप डाल सकते हैं इसमें। अब हमने जो पनीर फ्राई करके रखा था शैलो फ्राई, तो अब हम इसमें मिक्स कर देंगे। तो पनीर गाइस इस बात का ध्यान रखिएगा लास्ट में ही हमें ऐड करना है, नहीं तो पनीर जो है सॉफ्ट होके टूटने लगता है। जब हमारी रेसिपी हाफ कुक हो जाए तभी हमें पनीर इसमें ऐड करना है। उसी के साथ में हमें 1 टीस्पून गरम मसाला इसमें ऐड कर देना है और अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करके लो फ्लेम पे कुक करना है थोड़ी देर। 5 से 10 मिनट कुक करेंगे, इतने में हम एक पैन में तड़के की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 ड्राई रेड चिलीज़ का यूज़ किया है, 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी, थोड़ा सा कम भी आप ले सकते हैं, 1/4 टीस्पून भी ले सकते हैं, और 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे कुटा लाल मिर्च यूज़ किया है। तो देसी घी में मैंने ये तड़का लगाया है, तो आप किसी में भी लगा सकते हैं, बटर से भी आप इस तड़के को दे सकते हैं, ये बहुत अच्छा लगेगा गाइस। इसमें ऊपर से आप रेसिपी में तड़का देंगे तो ये बहुत टेस्टी लगेगा, तो आप ऐसा ट्राई कर सकते हैं। तो गाइस ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बन जाती है, इसमें मैंने अनियन का कोई यूज़ नहीं किया है, तो आप इसे एक ट्राई दे सकते हैं। ये रेसिपी बहुत टेस्टी बनती है, बहुत जल्दी भी बन जाती है। मटर पनीर की ये रेसिपी हमारी बहुत अच्छी बनी है गाइस। तो अब हमारी ये रेसिपी बन के रेडी हो गई है, तो अब हम इसे प्लेट आउट करेंगे गाइस। देखिए कितनी अच्छी बनके रेडी हो गई है। तो गाइस हमने इसे प्लेट आउट कर लिया है, अब मैं इसे सर्व करूंगी। तो मैं इस रेसिपी को यहाँ पर कलौंजी वाले तंदूरी रोटी के साथ और राइस के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहे किसी के भी साथ इसे सर्व कर सकते हैं, तो आप इसे जरूर ट्राई करिएगा। देखिए गाइस मैं इसे सर्व कर रही हूँ, तो आप ही इसे इसी तरीके से सर्व करिए, ट्राई करिए, घर में सबको खिलाइए बनाइए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर यू ऑल।